लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। विधानसभा 27 क्षेत्र मुरादाबाद देहात से श्रीमती डॉक्टर कमल कपूर ने कराया नामांकन, साथ ही महानगर की जनता से वोट डालने की अपील और कहा अपना काम करना है, धर्म की लड़ाई में नहीं पड़ना है। पूरी जानकारी के लिए देखिए खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती कमल कपूर। कहाँ से हैं? 27 विधानसभा देहात से। क्या चेंज मिला था आपको? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा सबसे अच्छी चीज़ है, कब पेट्रोल हो गया है महंगा, कार पे जो लोग जाते हैं बेवकूफ़ से देश को भी बर्बाद करते हैं। हमारी भी नागरिकता होनी चाहिए कि पेट्रोल महंगा है तो कार इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। ऑटो पे जाएंगे, चार फ्रेंड मिलेंगे, चार फ्रेंड बनेंगे, सबको पता चलेगा हमारी क्या उसका हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक है उसकी परेशानियाँ पता चलती हैं। मैं ऑटो पे बैठे बैठे पता नहीं कितने लोगों की परेशानियाँ सही कर दी थी। जैसे LIC का एक आदमी था, LIC वालों ने मेरे खूब बनाया, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, टीवी में पॉइंट देखती रहती हूँ कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, तो मैं उन्हें पॉइंट सिखाए। फिर मैं उनसे चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है, किस तरह से चुनाव चल रहा है? चुनाव के लिए ये सोचे पूरे मुरादाबाद ने कह दिया कि जीतना तो आप नहीं है। कैसे पता? सारे के सारे आ रहे हैं बार बार। क्या क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या करेंगे? मेरे तो पूरी दुनिया के मुद्दे ऐसे हैं। क्या क्या करेंगे? जैसे शिक्षक है, कोई भी निरीक्षण ना रहे पूरे दिन। तो सभी मुद्दे उठा रहे हैं आप। उसमें मैंने PhD भी किया ना, और उसके साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण मैं वैसे ही करती रहती हूँ, उनसे सिलाई कराती हूँ, पढ़ाई कराती हूँ, बुनाई करवाती हूँ, सब चीज़ करवाती हूँ। तो पहले से चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसको मैं मंदिर वगैरह पे मेले लगवा के ना, मस्जिद पे। तो मुद्दा भाजपा का, आपका मुद्दा क्या है? वो तो पहले से चल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी। मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय से खड़ी हूँ। आप क्या करेंगे अगर आप जीतती हो? जनता करूँगी, इतना करूँगी जितने मेरे पास सुख है ना, हर गरीब का अगर मुरादाबाद में ना पहुँच जाए तो आप लिख के रख लो। मेरे में इतनी क्षमता है, मेरी फौज इतनी प्यारी है, ये देखो ये मेरी फौज है सारी, मेरे साथ रहती हूँ। लगता आपको जीतेंगे? भैया बात सुनो, मैं जीत हार की परवाही नहीं करती, क्योंकि हारी भी मैं जीती हुई हूँ। जो जीतेंगे ना उनको लड्डू खिलाऊंगी, उनके गले में माला डालूंगी, घर में तोहफे ले आऊंगी। जीत हार की जो परवाह करता है वो देशभक्त थोड़ी होता है। हमें अच्छा, जैसे आप सपोज कर लीजिए आप जीत गए, जीतने के बाद क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगी, भाजपा को समर्थन देंगी? देखो मैं इंसानियत के मुद्दे पे हूँ, जो इंसानियत जिसे चलता है ना, तन मन धन से उसकी मदद कर देती हूँ ना। ये देखती हूँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसलिए मैंने भाजपा से टिकट भी नहीं ली। अब गायिका भी है क्या? हैं, अब गायिका भी है क्या? मैं TV में, रेडियो स्टेशन पे और फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह भजन गा बनाती भी खुद ही और गाती भी खुद ही, जैसा माहौल होता है। मेरे इस देश को इतनी परेशानियाँ हैं, सब देशों का एक दिन भारत ये सरताज था, जर्मन चीन जापान क्या, अमेरिका ईरान क्या, हर कोई ताबेदार था, हर कोई ताबेदार था। बुजुर्गों की सेवा करते थे, माता पिता के अनुभव पाते थे, समाज को अपना समझते थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।